हरे कृष्णा राधे राधे। मेरे चैनल नटखट लड्डू गोपाल में आप सबका स्वागत है। जब भी हम लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाने चलते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पास तो जो बूटी आती है, जो हैवी हैवी पैच आते हैं लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस में यूज़ करने के लिए, वो तो है ही नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में भी नहीं मिल पाता आपको। बट हमारे पास जब हम लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेज बनाते हैं तो उससे हमारे पास ना बहुत ही सारा जो रॉ मटेरियल होता है वो हमारे पास बच जाता है। तो आज हम उसी बचे हुए सामान से लड्डू गोपाल जी की ड्रेस में यूज़ होने वाले इस तरीके के पैच बनाएंगे। ये देखिए सारे के सारे पैच कितने प्यारे लग रहे हैं। ये मैंने अभी बनाए हैं, सारे के सारे मैंने अलग अलग कलर के बनाए हैं। ये पर्पल कलर हो गया, ये रेड कलर हो गया, येलो हो गया है, और ये मेहरून है, ये पिंक कलर है। तो इसी तरीके से आप जिस भी कलर के पैच आपको चाहिए उस कलर के पैच आप बहुत ही आसानी से घर पे बचे हुए सामान से बना सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आप ये पैच किस तरीके से बना सकते हैं घर पे बचे हुए सामान से। तो देखिए इस तरीके की जो स्टोन चैन आती है अक्सर हम लड्डू गोपाल जी की ड्रेस में लगाते हैं तो हमारे पास बच जाती है। तो हमारी समझ में नहीं आता है कि हम इनका यूज़ दोबारा से कहाँ पे करें, या तो ड्रेस बनानी है तो पैच बनाना हमें आता नहीं है, तो आज हम सीखेंगे पैच बनाना। तो इस तरीके की स्टोन चैन हमें चाहिए, और एक ही आती है बॉल चैन, ये मल्टी कलर में आती है। ये आप जिस भी कलर के पैच आप बनाना चाहो उस कलर के आप लेके आ सकते हो। फिलहाल मैं अभी ये गोल्डन कलर की मेरे पास में है तो मैं इस समय गोल्डन कलर ही यूज़ करूँगी। उसके बाद इस तरीके के मिरर वर्क में मिरर आते हैं लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस में लगाने के लिए, तो इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। और इसके साथ ही हमें इस तरीके के जो सितारे आते हैं, ये देखिए इस तरीके के जो सितारे आते हैं ये भी हमारे पास पड़े होते हैं। तो जो भी सामान आपके पास पड़ा हुआ है उन सबको निकाल लीजिए, क्योंकि आज उनको यूज़ करने का टाइम आ गया है। उन सबको यूज़ करके हम बनाएंगे बहुत ही प्यारे प्यारे से ये पैच, ठीक है। तो अभी आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले एक बुकरम का पीस ले लेना है, क्योंकि मैंने इनमें नॉर्मल फैब्रिक यूज़ किया है, जो जिन फैब्रिक से हम कपड़े बनाते हैं, कोई कॉटन का हो गया है तो कोई सिल्क का हो गया, और इनके ऊपर मैंने इस तरीके से बुकरम लगा के ये बनाए हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक बुकरम का पीस चाहिए होगा। उसके बाद इस तरीके का जो फैब्रिक आपके पास बच जाता है, जिस किसी भी कलर का फैब्रिक जो भी आप यूज़ करना चाहें, तो ये देखिए पर्पल कलर है, ये रेड कलर है, ये मेहरून कलर है, इसी तरीके से जो भी फैब्रिक आपके पास पड़ा हुआ है वो ले लीजिए। तो मैंने अभी तक ग्रीन कलर का नहीं बनाया, तो मैं अभी बनाऊंगी ग्रीन कलर में। तो ये मेरे पास ग्रीन कलर का फैब्रिक है, इस पर मैं ग्लू की हेल्प से ये चिपका लूँगी। देखिए इस तरीके से आपको इस पर ग्लू लगा लेनी है अच्छे से। आपको क्या करना है कि जिस साइज़ का आपको ये पैच चाहिए, ये बूटी जिस साइज़ के आपको चाहिए उस साइज़ के आपको सारे के सारे पीसेस कट कर लेने हैं बुकरम के, जितने भी पैच आपको बनाने हैं। अगर आपको 5 बनाने हैं, 6 बनाने हैं, तो सेम साइज़ के बुकरम के पीस आप कट कर लीजिए, और जितने भी कलर आपको चाहिए उतने कलर का आप फैब्रिक ले लीजिए। तो ये मेरे पास वेलवेट का, ग्रीन वेलवेट का फैब्रिक है, तो मैं ये जो बुकरम का पीस पे हमने ग्लू लगाई है वो मैं इस पर इस तरीके से चिपका दूँगी यहाँ पर, और इसे थोड़ी देर दो तीन मिनट में ये सूख जाएगा अच्छे से, इसे सूखने के लिए मैं रख दूँगी। तो ये देखिए 3-4 मिनट हो गए हमारा फैब्रिक सूख चुका है, तो अभी हम इसे सीज़र की हेल्प से कट कर लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये हम कट कर लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए हमारा जो फैब्रिक है ये अच्छे से चिपक चुका है, ये देखिए। अभी हमें क्या करना है, अब हम ले लेंगे सबसे पहले ग्लू, जो हमारे पास फैब्रिक ग्लू जो आती है, तो इसके ग्लू लेने के बाद हम इसके चारों कॉर्नर पे इस तरीके से ग्लू लगा लेंगे। ये आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप स्क्वायर शेप में ही बनाएं, बट आज की वीडियो में मैंने स्क्वायर शेप में ही दिखाया। मेरी और भी वीडियोस हैं जिसमें मैंने और दूसरे तरीके के पैच भी बनाने सिखाए आपको, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। तो इसके बाद हमें क्या करना है, ये स्टोन चैन जो हमने ये ग्लू लगाई है फैब्रिक पे,
इस ग्लू के इस तरीके से रखते हुए हम इसको चारों तरफ से चिपका लेंगे। आप चाहो तो ये लेयर कट करके भी चिपका सकते हो, जैसे कि ये कॉर्नर आ गया है तो आप इसके साइज़ के हिसाब से यहाँ से कट करके दोबारा से चिपका सकते हो। बट मुझे ये इस तरीके से ही इजी लगता है चिपकाना, मैं कट नहीं करती हूँ तो मैं इस तरीके से ही इसे लगा लेती हूँ। ये देखिए काफ़ी अच्छे से लग जाता है, बट आपको इसके लास्ट में सिर्फ एक ही एंड कट करना होता है। ये देखिए ये सारे पैच मैंने बचे हुए सामान से ही बनाए हैं, आप भी घर पे ट्राई कीजिएगा बनाने के लिए। जब भी आपको ड्रेसेस बनानी हो लड्डू गोपाल जी की, जैसे अभी नवरात्रे आ रहे हैं, दिवाली आने वाली है, तो क्यों ना इस बार सारे पैच लड्डू गोपाल जी की ड्रेस में यूज़ होने वाले सारा मटेरियल आप घर पे इस तरीके से बना ले। अगर आपको मार्केट में मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलता है तो आप इस तरीके से घर पे ही पैच बना सकते हो। तो ये देखिए ये हमने जो एक्स्ट्रा हमारी चेन है ये हमने कट कर लिया और इसे हमने यहाँ पे अच्छे से लगा लिया। ये आपको इसकी चारों तरफ से सिटिंग अच्छे से कर लेनी है जिससे इसकी शेप अच्छी आए। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए हमारा हो गया। अब आपको फिर से इसके अंदर की साइड ग्लू लगानी है क्योंकि हमें एक लेयर और लगानी है अभी। अगर कहीं पे एक्स्ट्रा ग्लू लग जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ग्लू सूखने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाती है, न दिखती नहीं है। तो अगर आपसे ज़्यादा ग्लू लग जाए तो कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो ये देखिए इस तरीके से अब हमारे पास ये जो गोल्डन बॉल चैन है, अब हम ये ले लेंगे और जिस तरीके से हमने स्टोन चैन लगाई है इसी तरीके से हम इसके चारों तरफ को ये बॉल चैन लगा लेंगे। बहुत इजीली आप इसे लगा लोगे। ये देखिए मैं भी लड्डू गोपाल जी के ड्रेसेस बनाती हूँ तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि जिस तरीके के पैच हमें चाहिए होते हैं वो मिल नहीं पाते मार्केट में, और अगर मिलते भी है तो थोड़े से ज़्यादा प्राइस में वो मिलते हैं तो हम परचेज़ नहीं कर पाते। तो मैंने इसका ये सलूशन निकाला है कि मेरे पास जिस तरीके के पैच मुझे चाहिए वो मैं जो मेरे पास सामान बच जाता है लड्डू गोपाल जी की ड्रेस से, तो मैं उसी तरीके के पैच जिस तरीके के मुझे चाहिए मैं आसानी से बना लूँ। तो मैं बना रही थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ जिससे कि आपकी भी हेल्प हो जाए और आपको भी जिस तरीके के पैच बनाने हो आप भी इजीली अपने घर पे बना पाओ। तो देखिए ये हमारा दोनों साइड लग चुका है, चारों साइड सॉरी। अब हमें क्या करना है कि इसके बिल्कुल सेंटर में एक इस तरीके से ग्लू लगा देंगे और ये जो हमारा स्क्वायर शेप में जो मिरर था ये हम बिल्कुल सेंटर में लगाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। आपको चारों साइड सेम गैप रखना है। ये देखिए ये हो गया हमारा। अब इसके चारों कॉर्नर पे हम इस तरीके से ग्लू लगा लेंगे और हमारे पास ये जो ड्रॉप साइज़ में ये जो सितारे थे ये है, तो अब हम इन्हें लगाएंगे। ये जो चारों कॉर्नर में हमने ग्लू लगाया है इन चारों कॉर्नर पे हम इस तरीके से लगा लेंगे इन्हें। ये देखिए चारों कॉर्नर पे आपको सेम तरीके से ही लगाने हैं बिल्कुल। ये जो हमने बीच में मिरर स्क्वायर शेप में जो हमने मिरर लगाया है इसके बिल्कुल कॉर्नर को मैच करता हुआ ही लगाएंगे, तो इससे ना हमारे जो पैच हम बना रहे हैं उसका शेप और साइज़ काफ़ी अच्छा आएगा, देखने में भी लुक भी अच्छा आएगा। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा जो है पैच पे ये लग गया। अभी हमें क्या करना है कि ये जो अगर आप चाहो तो आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हो,
और अगर आपको और थोड़ा सा हैवी चाहिए तो हम इस पर एक एक सितारा और लगाएंगे। ये देखिए, ये जो इस तरीके के सितारे आते हैं जो कपड़ों वगैरह पे आते, ये इस तरीके के छोटे वाले, ये आप यहाँ पे चारों साइड में आप इस तरीके से लगा लेंगे तो इसका लुक थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा जाएगा और ये देखने में ऐसा हैवी लगेगा, काफ़ी हैवी पैच बन जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, तो ये देखिए ये हमारा पैच बनके रेडी हो गया। अभी हम इसे सुखा लेंगे और हल्का सा सुखाने, अभी तो ये पूरा गीला है, हल्का सा सुखाने के बाद हम क्या करेंगे कि अगर इसकी सेप किसी साइड से थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है तो थोड़ा सा हल्का सा सूखने के बाद आप उस सारी सेप को अच्छे से मैनेज कर लेंगे तो हमारा ये पैच बनके रेडी हो जाएगा। ये आप किसी भी कलर के बना सकते हो, आप इसे एक भी कलर के बना सकते हो। अगर आपको पूरे पैच रेड कलर में चाहिए तो आप सारे के सारे पैच रेड कलर में बना सकते हो, बट मुझे मल्टी कलर में ये सारे पैच चाहिए थे तो मैंने ये सारे पैच मल्टी कलर में बनाए हैं। तो आप भी इजीली से इन सारे पैच को घर पे बना सकते हो, जिस भी तरीके के पैच आपको चाहिए, जिस भी कलर के आप इजीली घर पे बना सकते हो। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारी ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे हरी बोल।